like Oxford's Percussion Hub, Etika, Arifuna, and the Industry Heat. Now wait, Kopi Kota 2. टॉलीवुड इंडस्ट्री, मॉलीवुड एंड कॉलीवुड की इंडस्ट्री के बारे में तो हम सब बहुत ज्यादा जानते हैं, तो आज हम सैंडलवुड इंडस्ट्री मतलब कनाडा इंडस्ट्री के बारे में और ज्यादा जानेंगे। Hey guys, assalamu alaikum to all of you, namaste, sasriyakaal and welcome back to our channel that is Mindscare. Guys, आज हम जो है वो 20 full list of 100 करोड़ and 50 करोड़ movies of Kannada industry पर अपना reaction देंगे। Now the time has arrived कि KGF के बाद लोग अब सैंडलवुड को follow करने लग गए हैं और उनको पता चल गया कि सैंडलवुड is upcoming industry। और अगर हम अपनी बात करें कि हमने कनाडा इंडस्ट्रीज में अपना रिएक्शन दिया है, तो हम भी कुछ आर्टिस्ट को तो जानते हैं, जैसे केजीएफ के यश हो गए, इवन किच्चा संदीप जो है जिन्होंने रोल किया था, और पुनीत राजकुमार पे भी हमने रिसेंटली उनका भी डांस मूव और युवा रत्ना के सीन पे भी अपना रिएक्शन दिया था। ये तीन ऐसे बड़े एक्टर्स है साउथ इस सैंडलवुड इंडस्ट्री के जिसको हम जानते हैं। तो देखते और कौन कौन सी मूवीज है जिन्होंने 50-100 करोड़ रुपीज कमाए हैं। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लिस्ट होने वाली है। So guys, before हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, do you like this video? Share this video. Subscribe to our channel that is Mindscare. उसके अलावा guys, छोटे तीन चैनल है Mindscare, Mindscare Spending और Club. तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तीनों को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, और Facebook, Instagram को भी हमारे जरूर फॉलो करें। तो स्टार्ट करते हैं। प्लेटफॉर्म पर नाम लिखाना काफी मुश्किल होता है और सैंडलवुड में ऐसे कुछ एक्टर हैं जिन्होंने इस लिस्ट पर लिखा है अपने नाम। और बता दो दोस्तों, ये लिस्ट वर्ल्ड वाइड ग्रॉस के हिसाब से सेट है। इसमें 100 करोड़ के साथ 50 करोड़ का क्लब भी शामिल है। दोस्तों अगर आपको कन्नड़ फिल्म लगे तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना और एक लाइक भी देना। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। राजा कुमार ये 2017 पास्ट ऑफ पुनीत राजकुमार का एक्शन ड्रामा फिल्म है और इसमें ड्यूटीफुल लड़का कैसे कैसे मुश्किलों से जाने की बाजू भी अपने कैरेक्टर को साफ रखने की कोशिश करते हैं वही इसमें दिखाई है। और इसका बजट था 20 करोड़ और ये फिल्म रहा ऑल टाइम इंडस्ट्री हिट। नंबर 2 ये जमाना, ये 2019 का डीवीएस दर्शन का एक्शन फिल्म है। कैसे अपने गाँव को बचाने की कोशिश करते हैं वही इसमें दिखाई है। बता दोस्तों जब इसका नजर था 15 करोड़ का कैंपस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसमें राक्षी शेट्टी को लीड रोल में नजर है और इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज से जुड़कर एक लव स्टोरी को दिखाई है। बता दोस्तों यंग जनरेशन के बीच में ये फिल्म रहा काफी हाइप वाला फिल्म, जो कि इसका बजट था सेफ और सेफ 5 करोड़, बॉक्स ऑफिस प्रकाशन है 50 करोड़ और फिल्म रहा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। नंबर 4 द विलेन, सेंचुरी स्टार शिवाय राजकुमार और केचा सुदीप का एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें रामो अपने खोए हुए भाई रामा को ढूंढने के लिए कैसे कोशिश करते हैं वही इसमें दिखाई है। जब इसका बजट था 35 करोड़, बॉक्स ऑफिस प्रकाशन है 60 करोड़ और फिल्म रहा हिट। नंबर 5 प्रोगाडो, और रिसेंट रिलीज 2021 का एक्शन पेंस ट्रिगर का एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें एक्शन के साथ ही साथ इमोशनल स्टोरी भी नजर आई है। और इसे फिल्म मास एंटरटेनमेंट फिल्म का बजट है 40 करोड़, बॉक्स ऑफिस प्रकाशन है 50 करोड़ और फिल्म रहा हिट। नंबर 6 मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी, और 2014 का रैकिंग स्टार यश का रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसमें रामाचारी और विवाह के बीच में प्यार कहानी को दिखाई है। और जहाँ पर यह फिल्म कार्य फिल्म मिनिस्टर का फर्स्ट फिल्म है जो 50 करोड़ क्लब पार किया और इसका बजट था सिर्फ 4 करोड़, बॉक्स ऑफिस प्रकाशन है 52 करोड़ और फिल्म रहा इंडस्ट्री हिट। नंबर 7 मंगारू माने, ये 2006 का गोल्डन स्टार गणेश का म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म है और इसमें प्यार कहानी को दिखाई है और इसके बजट था सिर्फ 6 लाख, बॉक्स ऑफिस प्रकाशन है 80 करोड़ और फिल्म रहा ऑल टाइम इंडस्ट्री हिट। नंबर 8 कोपि कोटा 2, और 2016 का सैनिक का बादशाह किचे सुदीप का एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसमें एक रियल एस्टेट एजेंट कैसे खुद को टैको के रूप में दिखाते हैं वह इसमें दिखाई है। जब इसका बजट था 15 करोड़, बॉक्स ऑफिस प्रकाशन था 52 करोड़ और फिल्म है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। नंबर 9 यूवर अपना, आज हम तक रिसेंट रिलीज 2021 का फास्ट ऑफ पुनीत राजकुमार का एक्शन फिल्म है और इसमें कॉलेज बैकड्रॉप के साथ जुड़कर सोशल मैसेज, सब में एक्शन, सेंटिमेंट, कॉमेडी और रोमांटिक स्टोरी को दिखाई है।
अरिता दोस्तों चेक में इसका बजट था 40 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर कशन था 52 करोड़, और जब पहली फिल्म रिलीज होने का सिर्फ 1 महीने की बात है, ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन पर वीडियो ने इस फिल्म का ऑल टाइम रिकॉर्ड तलब अमाउंट 30 करोड़ में खर्च चुका था, और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा ब्लॉकबस्टर। नंबर 10 कुरुक्षेत्र, यह 2019 का टीवीएस दर्शन का एपिक हिस्ट्री का फिल्म है, और इसकी स्टोरी एपिक पर गधा युद्ध पर बेस्ड है, जब पर इसका बजट है 60 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर कशन है 118 करोड़, और ये फिल्म है ब्लॉकबस्टर। नंबर 11 है बूढ़ी, ये 2017 का किचन सिंह का एक्शन फिल्म है, और इसमें राम कैसे अपने भाई का मालिक का रिवेंज लेते हैं इसमें दिख रही है, जब पर इसका बजट है 20 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर कशन है 56 करोड़, और ये फिल्म है ब्लॉकबस्टर। नंबर 12 अवेनिस यमन नारायण, ये 2019 का मोस्ट हाइप बना फैंटेसी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है, और इसमें राक्षस शेट्टी को कॉर्प पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखाई है, जहाँ पर इसका बजट था 25 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर कशन है 8 करोड़, और फिल्म है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। नंबर 13 अंजनी पिक्चर, ये 2017 का पावर स्ट्रकर एक्शन मसाला फिल्म है, और इसमें किया स्टेज देखा कितनी लो बजट में मूवीज बनी है, और 80-80-50 करोड़ तो हर भाई भी देती, 6 लाख हो सकते हैं, ये तो आप लोगों की गाज बना सकते हो, 10-15 लाख ले लेता है। मुझे म्यूजिकल मूवीज बनी हुई थी, माइट भी पॉसिबल बायोग्राफी टाइप की कोई मूवी बना रहे, ये पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है, लेकिन 6 लाख में 80 करोड़ कमाना इस लाइफ के, वो 6-6 लाख की 50 मूवियां कमा बना सकते हैं आराम से। लेकिन ओवरऑल देखे तो जैसे हमने तीन एक्टर्स की बात की थी, किंचा संदीप हो गए, और उसके अलावा पुनीत राजकुमार हो गए, और यश हो गए, इनकी मोस्टली हमें रिसेंट सारी मूवीज अच्छी लगी जो 50 करोड़ से ऊपर थी। तो गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप लोगों में से कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है, और आने वाले टाइम पे आप कौन सी मूवीज को ज्यादा प्रेज करना पसंद करते हैं। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा।